हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉलिक एसिड क्या होता है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 का सिंथेटिक फॉर्म है। सिंथेटिक फॉर्म से आप समझ ही गए होंगे कि ये मैनमेड है, नेचुरल नहीं है। विटामिन B9 का जो नेचुरल फॉर्म होता है उसे बोला जाता है फोलेट। फ्रेंड्स, ये जो फॉलिक एसिड है ये हमारी बॉडी के अंदर नए सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इसीलिए बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये एक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसके अलावा RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बनने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और RBCs जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड का एक मेजर कॉम्पोनेंट होता है और इसी RBCs की वजह से ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसमिट हो पाता है हर एक ऑर्गन को। तो दोस्तों, जो ये विटामिन B9 है इसका प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। नॉट इवन इन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इवन बिफोर द प्रेगनेंसी, दैट इज प्री कंसेप्शन में इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि मदर की बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की कमी से क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि फॉलिक एसिड RBCs के प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है, तो अगर RBCs का काउंट कम हो गया तो ब्लड का काउंट भी कम हो गया और मदर की बॉडी के अंदर खून की कमी के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खून की कमी मेडिकली, जिसे एनीमिया बोला जाता है, उसके कारण कंसीव करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। एज वेल एज कुछ केसेस में अगर ये एनीमिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फर्टिलिटी के कम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मदर की बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में इस फॉलिक एसिड का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी बेबी को कंसीव करने में और एक हेल्दी बेबी को ग्रो करने में। सिमिलरली दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि आपके बेबी के फॉर्मेशन में और आपके बेबी के ग्रोथ में किस तरीके से फॉलिक एसिड इम्पॉर्टेंस रखता है। फॉलिक एसिड बेबीज के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है। अब जो मैंने ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोला है, तो ये जो डिफेक्ट्स हैं इनको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये न्यूरल ट्यूब क्या होता है। तो होता क्या है दोस्तों, जब एक फीमेल एग और एक मेल स्पर्म फ्यूज होते हैं तो एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो एक नया सेल है ये मल्टीप्लाई होता जाता है, पहले 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते होते ये बहुत सारे सेल्स मिलके एक बॉल की शेप ले लेते हैं, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है मेडिकली। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्रस की वॉल के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ये सेल्स हैं ये धीरे धीरे करके बेबी की बॉडी का एक एक ऑर्गन बनते जाते हैं। तो ये जो ऑर्गन फॉर्मेशन की सीरीज है उसके अंदर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है न्यूरल ट्यूब। अब न्यूरल ट्यूब को हम इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए कोई एक पाइप है, जैसे पाइप अंदर से हॉलो होता है उसी तरीके से एक पाइप है, एक नली है ये न्यूरल ट्यूब, जो जिसका आगे का जो भाग होता है वो ब्रेन के फॉर्म में डेवलप होता है और जो पीछे का भाग होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में डेवलप होता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ब्रेन का डेवलपमेंट कंसेप्शन से बर्थ तक किस तरीके से होता है। जैसा कि आप स्क्वायर बॉक्स में देख सकते हैं, 3.5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे आपकी बेबी की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है। अब ये जो एरोस से मार्क हुआ हुआ आ रहा है ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये न्यूरल ट्यूब कहलाता है। अब इसी न्यूरल ट्यूब के आगे का जो भाग है ये ब्रेन के फॉर्म में डेवलप होता है। जैसा आप देख सकते हो, आगे का जो पार्ट है वो ब्रेन के आगे का हिस्सा यानी फोर ब्रेन के फॉर्म में डेवलप हो रहा है। सिमिलरली जो बीच का पार्ट है वो बीच के ब्रेन यानी कि मिड ब्रेन के फॉर्म में डेवलप हो रहा है और पीछे का हिस्सा ब्रेन का हाइंड ब्रेन के फॉर्म में डेवलप हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रेन का फॉर्मेशन प्रोग्रेस कर रहा है।
धीरे धीरे देखें फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सेवन्थ वीक, ऐसे किस तरीके से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन प्रोग्रेस करता जा रहा है और किस तरीके से बर्थ का टाइम आते आते न्यूरल ट्यूब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के फॉर्म में फुली डेवलप हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जो ये न्यूरल ट्यूब बनती है, तो जिस दिन इसका फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जब स्पर्म और एग मीट कर रहे हैं, कंसेप्शन के टाइम से 28 दिन के बाद ये क्लोज होने लगता है। तो जैसे ये हॉलो स्ट्रक्चर है मान लीजिए, तो धीरे धीरे करके ऐसे 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 करके क्लोज होना शुरू हो जाता है। तो जब ये क्लोज होता है, तो जो भाग इसका, जो पार्ट न्यूरल ट्यूब का ब्रेन बनने वाला होता है, अगर उसमें हॉलो रह गया तो ब्रेन से रिलेटेड डिफेक्ट हो जाता है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड वाला जो भाग है उसके अंदर क्लोज होते हुए कोई होल रह जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिफेक्ट हो जाता है। अब ये जो न्यूरल ट्यूब क्लोजिंग का मैंने आपको प्रोसीजर बताया, मैं इसका भी आपको डायग्राम बता देती हूँ, जिससे आपको बहुत माइंड के अंदर क्लैरिटी आ जाए कि मैं किस बारे में और क्या बात कर रही हूँ। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि न्यूरल ट्यूब अंदर से हॉलो होता है, आप इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर के फिगर को देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये एक ट्यूब है और एक अंदर से बिल्कुल हॉलो है। अब ये जो पीछे का हिस्सा है ये स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में डेवलप हो रहा है और ये जो आगे का हिस्सा है ये ब्रेन के फॉर्म में डेवलप हो रहा है। अब आप देखिए, जब 22 डेज हो गए हैं कंसेप्शन के, तो धीरे धीरे ये क्लोज होना स्टार्ट हो चुका है और 28 डेज आते आते ये फुली क्लोज होना शुरू हो चुका है। अब देखिए कि किस तरीके से इसके क्लोजर में एक होल रह गया है। तो इस तरीके से अगर इसके क्लोजिंग के टाइम पे किसी भी तरीके का होल रह जाता है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में हो, चाहे वो ब्रेन के एरिया में हो, तो न्यूरल ट्यूब से रिलेटेड डिफेक्ट्स आपके बेबी के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसको बोला जाता है स्पाइना बिफीडा। अब ये जो स्पाइना बिफीडा है, अगर उसके साथ बेबी का बर्थ होता है, तो उनके पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, उनके पैरालाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको स्किन में किसी भी तरीके की कोई सेंसेशन नहीं होती, सूसू पॉटी पे कोई कंट्रोल नहीं होता उनका। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जैसे वो हमारा ब्रेन होता है ना, वो एक लिक्विड में फ्लोट करता रहता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ये जो फ्लूइड होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में फ्लो करता रहता है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफेक्ट है, तो ये फ्लूइड फ्री फ्लो नहीं कर पाता ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे करके ना ये ब्रेन के अंदर बिल्डअप होने लगता है, जमने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और ब्रेन के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो पार्ट न्यूरल ट्यूब का ब्रेन बनने वाला होता है, उसमें कोई हॉलो रह जाता है, तो ब्रेन में डिफेक्ट होने के चांस होते हैं और उसे बोला जाता है एनेंसीफेली। अब ये एनेंसीफेली की वजह से स्कल और ब्रेन के बहुत सारे मेजर पोर्शंस डेवलप नहीं होते या बिल्कुल एब्सेंट हो जाते हैं। तो अगर एक बच्चा एनेंसीफेली के साथ अगर बर्थ लेता है, तो वो कुछ घंटे या कुछ दिनों तक ही जिंदा रह पाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि फॉलिक एसिड ना लेने पे किस तरीके से न्यूरल ट्यूब का जो क्लोजर है, मतलब जो न्यूरल ट्यूब बंद हो रहा है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता और किस तरीके से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफेक्ट आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको ये बताया कि जो न्यूरल ट्यूब है कंसेप्शन के 28 दिनों के बाद क्लोज होना शुरू हो जाती है, तो जिस टाइम पे आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और अपने गायनी के पास जाते हैं अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म करने, तब तक तो ये पीरियड निकल चुका होता है। और अगर उसके बाद अगर आप ये फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, तो इतना एड नहीं मिल पाता जितना कंसेप्शन से पहले अगर आप फॉलिक एसिड लें, अपनी बॉडी को पहले से ही विटामिन B9 सप्लाई कर दें, तो आपके बेबी के अंदर बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो आपको सब बताया कि फॉलिक एसिड ना लेने की वजह से ऐसे ऐसे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इसे आप क्रॉस कन्फर्म भी कर सकते हैं। WHO की वेबसाइट पे जाके आप टाइप कीजिए पेरी कॉन्सेप्शनल फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, और जैसे ही आप टाइप करेंगे,
तो आपको एक रिसर्च पेपर जो है वो मिलेगा और आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉलिक एसिड अगर कंसेप्शन से पहले नहीं लिया गया तो बेबी के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ पैदा होने के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं।